खेसारी लाल यादव का गाना लहंगा लखनऊआ और भतीजवा का मौसी जिंदाबाद। भाई ये दो गानों का इंतज़ार भोजपुरी जगत के सारे फैंस कर रहे हैं खेसारी लाल यादव के, और अब इस गाने को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये बता दें, लेटेस्ट खबर ये है कि गाना फिर से आएगा। अब आएगा सारे गामा पा म्यूजिक के बैनर तले। आपको ये बता दें कि भतीजवा का मौसी जिंदाबाद की तो शूटिंग चल रही है और जल्द ही वो गाना यूट्यूब पर रिलीज भी कर दिया जाएगा। लेकिन लहंगा लखनऊआ, जिसने बहुत शुरू में ही बहुत बज़ क्रिएट किया था, लोगों को बहुत पसंद आया था, सभी ने बहुत सराहना की थी, गाने को अच्छे व्यूज़ मिले थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर गाने पे जो स्ट्राइक खेल खेला गया, उस वजह से गाना को यूट्यूब से हटा दिया गया। लेकिन अब उस गाने को फिर रिलीज़ किया जाएगा। गाना रिलीज़ क्या किया जाएगा, गाना रिलीज़ ही है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये है कि खेसारी लाल यादव के इस गाने को जितना व्यूज़ मिला था, उस व्यूज़ में थोड़ी घटोतरी और बढ़ोतरी तो होगी ही। खैर, इस मसले को तो आप फैंस हैं, आप जानें, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपको किसे उठाना है और किसे गिराना है। वैसे इस मामले में खेसारी का फैंस ने जिस तरह से साथ दिया, काबिल-ए-तारीफ़ है। उनके फैंस बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि खेसारी इस जगह गलत नहीं है, इसलिए रितेश पांडे ने भले एक्शन लिया, लाइव आके इमोशनल भी हुए। उन्होंने यहाँ ज़रूर कहा कि उनका और खेसारी का रिलेशन ख़राब हो गया, लेकिन फैंस जानते थे कि खेसारी लाल यादव जैसा बड़ा स्टार, हाँ, गानों की चोरी का पहला मामला खेसारी पे नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं सामने, लेकिन जब इस गाने की बात आई तो खेसारी ने बड़े ही ईमानदारी से ये कहा कि मुझे नहीं पता था कि इससे पहले ये गाना रितेश ने गाया था। खैर, जो भी बात हुई हो, लेकिन अब फैंस चाहते हैं ये गाना रिलीज़ हो। तो आपको बता दूँ कि सारे गामा पा के ओरिजिनल यूट्यूब चैनल से रिलीज़ होगा ये गाना। वैसे हम आपको बता दें कि सारे गामा पे रिलीज़ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। ये गाना जो लहंगा लखनऊआ है, वो जिस ट्यून पे बना है, वो ट्यून की कॉपीराइट सारे गामा पा के पास है। अब उस ट्यून पे कई भोजपुरी के गाने बन चुके हैं, लेकिन लहंगा लखनऊआ ने आते ही धमाल मचा दिया। अब भाई, जो गाना आते ही कई मिलियंस पार कर जाए, तो उस पर तो नज़र सबकी जाएगी ही। इस पर कॉपीराइट क्लेम सारे गामा पा वालों ने कर दिया है। अब उनका कहना है, हम गाना तो रिलीज़ करेंगे, लेकिन आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल के अंडर रिलीज़ कीजिए, हमारे बैनर के अंडर रिलीज़ कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और लगता है कि मेकर्स, यानी कि लहंगा लखनऊआ के मेकर्स को ये राय पसंद भी आ गई होगी, क्योंकि उनमें क्या आपसी समझौता हुआ है ये तो खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन ये गाना होली से पहले रिलीज़ ज़रूर हो जाएगा। और साथ ही साथ भतीजवा के मौसी की शूटिंग भी मुंबई में कंप्लीट हो चुकी है, ये गाना भी आप लोगों के पास 4 से 5 दिनों के अंदर ज़रूर आ जाएगा। ये गाना भी आप लोग यूट्यूब पे 4 से 5 दिनों के अंदर ज़रूर देख पाएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप टीवी, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।